हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेपर क्रैकर्स। आज के हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए नंबर इन डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, आज की हमारी वीडियो में हम कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमें कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे जो कि डेसिमल में दिया गया है, उसे हमें दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। जनरली हम बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके पास एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी आ सकता है कि डेसिमल नंबर को बेस 7 में कन्वर्ट कीजिए, या फिर बेस 11 में, या फिर बेस 19 में। लेकिन हम जनरली हम बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में ही कन्वर्ट करते हैं। ओके, मान लीजिए हमें यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 18.30। ये 18 इसका इंटीजर पार्ट है एंड 30 इसका फ्रैक्शन पार्ट है। इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पर अभी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो हमारा इंटीजर पार्ट है उसे हमें डिवाइड बाय 2 करना है, एंड पॉइंट के राइट साइड में जो हमारा पार्ट है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो अभी 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 क्वेश्चन आएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 क्वेश्चन एंड 1 रिमाइंडर। इसी तरह 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2 हमारा क्वेश्चन एंड 0 रिमाइंडर, एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वेश्चन एंड 0 रिमाइंडर। उसके बाद आपको स्टॉप कर देना है यहाँ पर, जो हमारी नीचे जो है 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यहाँ पर 0 हमारी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। तो 18 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो 100010, ये हमारा 18 का बाइनरी कन्वर्जन होगा। अभी हमें पॉइंट के जो राइट साइड में हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है उसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करना है। 0.30 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.60। पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 है तो आप यहाँ पर 0 लिखिए, और अभी जो बचा 0.60 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा आंसर आएगा 1.20। पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो 1 है उसे कट कीजिए और यहाँ पर लिखिए। अब हमारे पास बचेगा 0.20, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 0.40। इसी तरह फिर पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है 0, इसे पुट कीजिए, और फिर से आप अगर करना चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, बट अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। और अभी इसको जो हमें कैसे लिखना है, इसको हमें ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। तो जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है 0.30, उसका बाइनरी कन्वर्जन होगा 0100। तो 10.0010, ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन है, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मान लीजिए यही नंबर हमने फिर से लिया 18.30, डेसिमल में दिया गया है, अब इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है इसे हमें करना है डिवाइड बाई 8, और पॉइंट के जो राइट साइड में है उसको हमें मल्टीप्लाई बाई 8 करना है। सेम वही प्रोसीजर है, बाइनरी के केस में हमने 2 से डिवाइड किया था और 2 से मल्टीप्लाई किया था, ऑक्टल के केस में हम डिवाइड बाई 8 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस यूज करना हमें। तो यहाँ पर हमने 18 को जब हम सक्सेसिव डिवीजन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हमें सॉल्व करके हमारा ये आंसर आएगा। तो वही नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, और ये तब तक करना है जब तक हमारा यहाँ पर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही 0 आ जाएगा वहाँ पर आप इसको स्टॉप कर देंगे। ओके, तो अब इसे नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे 0, 2, 2, तो 0 को छोड़ दीजिए, 2, 2 आपका 18 का जो ऑक्टल कन्वर्जन है वो हो गया आपका 22। इसी तरह पॉइंट के राइट साइड में आप इसको सोल्व कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। तो हमने जब 0.30 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2.40 ये हमारा आंसर आया। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है 2 इसका कट कीजिए, इसको यहाँ लिखिए। तो अब हमारे पास बचा 0.40, इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब हमारा आंसर आएगा 3.20। 3 को कट कीजिए, 3 को यहाँ लिखिए, और अब हमारे पास बचा यहाँ पर 0.20, इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1.60। ओके, अब यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं, 3 टाइम्स तक आप कर सकते हैं, इतना मोर देन सफिशिएंट है। आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एनसीक्यू क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है एग्जाम्स में, तो उसके जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसको देख के आप उतने टाइम्स तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमें ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है 2, 3, 1, तो 30 का ऑक्टल कन्वर्जन हमारे पास है 2, 3, 1, तो कम्प्लीट हमारे पास ऑक्टल कन्वर्जन हुआ 22.3231। और सेम यही प्रोसीजर हमें हेक्साडेसिमल के लिए यूज करना है। 3.30 इसको हमने
डेसिमल में दिया गया, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वही सेम पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है हमारे पास उसको 16 से डिवाइड करना है और पॉइंट के राइट साइड में उसको मल्टीप्लाई बाय 16 करना है, तो वही आप सक्सेसिव डिवीजन आप यूज करेंगे तो आपका इस तरह नीचे सोपर की तरफ पड़ेंगे, तो 1 2, तो 18 का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हमारे पास है 1 2, और आप इसको पॉइंट के राइट साइड वाले पोर्शन को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.30 इंटू 16 हमारा हुआ 4.80, 4 को कट कीजिए, 4 को यहाँ लिखिए, अब हमारे पास बचा 0.80, 0.80 को आप 16 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा आंसर आया 12.80, 12 को कट कीजिए, 12 को यहाँ लिखिए, हेक्साडेसिमल में 12 को हम सी लिखते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास 9 के बाद जब बचता है तो उसमें 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को हम एफ लिखते हैं, तो हमारे पास 12 को हम लिखेंगे सी, और अब यहाँ पर हमारे पास बचा 0.80, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आंसर आया 12, फिर से इसको हम लिखेंगे सी, तो 3 टाइम्स तक हमने कर लिया, इतना काफ़ी है, और ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ इसको पढ़ेंगे तो 0.4 cc, 12.4 cc आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। इसके पास अगर कोई डेसिमल टू एनी बेस में कन्वर्ट करना है हमें, अभी तो हमने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ा है, लेकिन डेसिमल से किसी भी एनथ बेस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो सेम वही पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में उसको डिवाइड बाय एन कीजिए और पॉइंट के जो राइट साइड में उसको मल्टीप्लाई बाय एन कीजिए, सेम वही प्रोसीजर होगा जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। थैंक यू।